सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आ चुके हैं GTA 5 के अंदर। तो गाइस, तो आज का फंडा बहुत सिंपल सा है। तो आज हमें एक लमार ने काम दिया कि उसके फ्रेंड की कार है तो उसे हमें पिकअप करके लानी है। तो भाई मौसी ने, फ्रैंकलिन की जो मौसी है, उसने ये दोनों गाड़ियाँ भाई पता नहीं कैसे दोनों एक ही गैरेज में डाल दी और दोनों में से अब कोई भी नहीं हम पिक कर सकते, क्योंकि एक उठाएंगे तो दूसरी, मतलब इतनी स्पेस ही नहीं है कि एक गाड़ी बाहर आ सके। पता नहीं मौसी ने कौन से जुगाड़ किए हैं। अबे भाई फ्रैंकलिन, अबे ये कौन से सस्ते नशे हैं। इसे कहते हैं गाइस एक दीवार से दूसरी दीवार में जाना की निंजा टेक्निक। तो गाइस क्या करें अब भाई, गाड़ी तो मुझे नहीं लगता हम ले सकते हैं अभी तक। अबे लात ही मार दो भाई, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का है भाई। इतनी महंगी गाड़ी हमने लेके आए हैं हम, इसके लिए हमें अपनी हयाबूजा तक बेचनी पड़ गई थी। कोई बात नहीं भाई, ग्रीन बाइक पे ही चलते हैं। अबे यार ये संगीत भी ना, भाई हेलमेट डाल लेते हैं क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, चाहे वो हमारी हो या फ्रैंकलिन की। तो हमें जाना है रेसिंग स्टेडियम में। ओ भाई फ्रैंकलिन तो भाई आज ज़्यादा ही मूड में है। पहले भाई लोकेशन मार्क कर लें। तो हमें जाना है कुछ यहाँ पर, फ्रैंकलिन ने यहाँ पर ही कहा था कि यहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर एक ही गाड़ी खड़ी होगी और वहाँ पर एक बंदा भी खड़ा होगा जिससे हमें, अबे यार भाई यार क्या है ये भाई, गाड़ियों को चलने की तमीज़ ही नहीं है। पता है भाई सामने से ग्रीन बाइक आ रही है, वो भी फ्रैंकलिन की, तो भाई इस रास्ता साफ कर दें। पर ऐसा क्यों करेंगे वो भाई, फ्रैंकलिन है कोई गुंडा है, बदमाश थोड़ी है। गुंडे बदमाश के लिए कौन करेगा। तो जो गाड़ी हम आज पिक करने जा रहे हैं भाई, वो फ्रैंकलिन लमार के लिए लेने जा रहा है। और लमार को वो गाड़ी इसलिए चाहिए क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है, और समझ सकते हो भाई खतरनाक है क्योंकि उसका इंजन, वो चाहे थोड़ी दिखने में पुरानी है, उसने कहा था कि थोड़ी पुरानी सी गाड़ी है बट वो ड्रिफ्टिंग के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। उसने वो आगे किसी दूसरी कंट्री में भेजनी है क्योंकि उसने करानी है मॉडिफिकेशंस, और वो भी फ्रॉम दूसरी कंट्रीज। कहीं सस्ता है कहाँ पर भाई, यार मैं यहाँ पर क्या करने आ गया। अच्छा यहीं पर है रास्ता, मैं सही आया था पहले। यस तो यहाँ पर मुझे कोई गाड़ी तो दिख नहीं रही भाई, स्टेडियम पूरा खाली पड़ा, मतलब स्टेडियम की पार्किंग। भाई ये क्या है यार, भाई यहाँ पर तो कोई बंदा खड़ा ही नहीं अपनी गाड़ी के पास। भाई यहाँ पर तो पूरा ही खाली है। अबे यार ये क्या होगा, तो गाइस मेरी फ्रैंकलिन के साथ लमार, फ्रैंकलिन की जो लमार के साथ बात हो चुकी है, तो यही गाड़ी उसने मंगाई है। तो ये भाई उसने खोल ली है क्योंकि वहाँ पर बंदा तो खड़ा नहीं है, वो मुझे लगता है कहीं जंगल पानी के लिए गया होगा। तो ये गाड़ी हमें उसके पास लेके जानी है, और ये भाई दिखती तो पुरानी सी है पर स्पीड काफ़ी तेज है। बट एक प्रॉब्लम है कि भाई ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। ओ भाई 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 भाई, क्योंकि ये अच्छा, अलमार ने भाई ये भी कहा था कि ये एक ड्रिफ्टिंग कार है और ये उसे ड्रिफ्ट के लिए, मतलब रेसिंग ड्रिफ्टिंग जो भी होता है उसके लिए ये उसने मंगवाई है। तो भाई ये भाई कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है वो भाई, बट भाई इंजन में जो पावर है, नेक्स्ट लेवल इंजन है भाई। रेस तो भाई जो इसका गाड़ी का पिकअप है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है। है ये चाहे स्पोर्ट्स कार बट सुपर कार जितने पिकअप है इसके अंदर, बट भाई कंट्रोल्स भाई ये ड्रिफ्टिंग के लिए है, और जो मुझे ड्रिफ्टिंग आती नहीं है भाई, इसका थोड़ा सस्ते नशे चल रहे हैं।
और इसके चक्कर में भाई मेरी पुलिस भी मगर पड़ चुकी है। यार ये गाड़ी के अलग ही नशे चल रहे हैं, लेफ्ट मोड़ता हूँ तो राइट जा रही है, राइट मोड़ रहा हूँ तो लेफ्ट जा रही है। अबे भाई ये ड्रिफ्टिंग है क्या है यार। भाई इसके चक्कर में लवार मुझे बोलेगा बहुत के उसने मैंने उसकी गाड़ी ठोक दी। ओ भाई 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 यार क्या हो रहा है यार, ये ड्रिफ्टिंग कार, भाई मुझे ड्रिफ्टिंग सीखनी पड़ेगी यार। बट जो पिकअप और स्पीड है ना गाड़ी की बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। ये देखो जंप भी मार लेती है, चाहे ग्राउंड क्लियरेंस कम है पर जंप हो जाती है। हाईवे में तो सही चल रही है पर जब थोड़ा कॉम्पैक्ट सा रास्ता आ जाता है तो भाई लेफ्ट मोड़ो तो राइट जाती है, राइट मोड़ो तो लेफ्ट जाती है। तो यार ये बातें करते करते मैं कहाँ पर आ गया। ओके तो भाई हमें अब करना है पुलिस से एस्केप, इसलिए मैं थोड़ा एयरपोर्ट की तरफ आ गया। भाई गाड़ी का चकनाचूर होगी गाड़ी, भाई पुलिस तो भाई हमारे आगे पीछे चारों तरफ तो नहीं कह सकते बट है भाई पास, इसलिए अभी थोड़ी देर कहीं इधर रुक जाता हूँ कुछ देर के लिए। सो गाइस लमार के साथ मेरी बात हो चुकी है और वो कह रहा है कि भाई मुझे गाड़ी दिखाने आ जा, पर मैं उसके पास सीधा जा नहीं सकता क्योंकि गाड़ी हुई पड़ी अभी इंस्टॉलमेंट्स में, टुकड़ों में हुई पड़ी है कि भाई उसने देखना है और उसने कहना है कि ये क्या हो गया यार, अंजर पंजर ढीले कर दिए मैंने। और इससे पहले भाई हमें रिपेयर करानी पड़ेगी गाड़ी क्योंकि उसने कहा है कि भाई मैंने उसने अभी ड्रिफ्ट करनी है। भाई पता नहीं कैसा बंदा है और आधी रात को भाई ड्रिफ्टिंग कौन करता है। तो अभी हमने रिपेयर करने जाना है भाई गाड़ी के, देख लो देख सकते हैं कि अभी भी गाड़ी के चाहे अंजर पंजर ढीले हैं फिर भी गाड़ी की जो भाई स्पीड है वो वैसी ही है। तो क्या भाई उड़ती जा रही है गाड़ी, बट इसके कंट्रोल्स, लेफ्ट मोड़ो तो राइट जाती है, राइट मोड़ो तो लेफ्ट जाती है, थोड़े सस्ते नशे करके आती है गाड़ी। अबे यार पर हाईवे पे जो इस गाड़ी को चलाने का मजा है ना नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और हमें जाना है भाई नीचे। ओके यार गाइस देख सकते हो कि भाई ये फुल स्पीड में जब जाती है तो भाई कंट्रोल नहीं कर पाती अपने आप को गाड़ी, क्योंकि जब कभी भी मतलब गाड़ी फुल स्पीड में जा रही हो ये वाली और तभी हम कर लेते हैं कि इधर उधर जाने के लिए तो भाई ये कन्फ्यूज़ हो जाती है और ठुक जाती है। सो गाइस मैंने अभी करा लिया गाड़ी रिपेयर और लमार का मुझे कॉल आ गया था, वो और कह रहा है कि मैंने अभी वो सो गया वो और वो गाड़ी सुबह पिक कर लेगा फ्रैंकलिन के घर से। तो अभी हमें ये गाड़ी अपने घर लेके जानी है और भाई बहुत ही ध्यान से लेके जानी है। उसने ये स्पेशली कहा, कहते कि तुम बहुत स्लो आ रहे हो, मुझे लग रहा है कि गाड़ी के साथ गड़बड़ है। तो मैंने उसको समझा दिया कि भाई कोई गड़बड़ नहीं है, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, फ्रैंकलिन के घर से सुबह गाड़ी उठा लेना अपने आप। गाइस ये गाड़ी की उसने अभी कीमत भी बता दी है मुझे, इस गाड़ी का प्राइस है $10 million। मुझे भाई समझ नहीं आ रहा किस बात के $10 million। फिर मैंने उससे पूछा ही था तो उसने बताया कि इस गाड़ी की क्योंकि ये बहुत ही पुरानी गाड़ी है और अब ये मिलती नहीं है आसानी से, तो वो इसे खुद पिक करने जाना था और वो अभी था नहीं मतलब लॉस सैंटोस में था नहीं, तो उसने ये काम हमें दे दिया। तो गैरेज फुल है, बाहर भी एक गाड़ी खड़ी है, एक और गाड़ी खड़ा देते हैं। भाई 10 million की गाड़ी अपने घर में, तो गाइस वो सुबह उठा लेगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।